सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितने भी लोग NIOS से DL.ED कोर्स कर रहे हैं, उन सभी को हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। NIOS अपने स्तर से कुछ ना कुछ तब्दीलियां करते जा रहा है, कभी कुछ बदल जाता है तो कभी कुछ मुश्किल हो जाता है और कभी कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, आज भी एक ऐसे ही बदलाव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और ये बदलाव आपके एग्ज़ाम को लेकर के हैं। और अब जो है आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है। वो बदलाव क्या आया है दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बताते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो आपको बदलाव आया है वो है एग्जामिनेशंस को लेकर के। पहले के क्वेश्चंस पैटर्न और अब के क्वेश्चंस पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। पहले दोस्तों पास करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई थोड़ी कम की थी। अब दोस्तों आप आसानी से पास कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे पहले के क्वेश्चंस के मुताबिक 42 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले थे। टोटल 42 क्वेश्चन थे, जिसमें से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस नंबर 1 to 15, यानी कि 1 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स थे, 15 क्वेश्चंस के लिए 15 मार्क्स। लेकिन दोस्तों अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मैं वो भी आपको क्वेश्चंस थोड़ी देर में दिखा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस थे 16 से 30 तक, वो थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। वो क्वेश्चंस आंसर भी एक एक नंबर के थे, जो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था। दो लाइन लिखने के बावजूद भी हमें एक नंबर उसमें सिर्फ मिलने वाला था। और उसके बाद क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो तीसरा पैटर्न जो था वो था 31 से 40 तक का क्वेश्चन, जो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर लिखने थे, जिसमें हमको कम से कम 5-7, 8-10 लाइन लिखने पड़ते और हमको उसके लिए सिर्फ 2 मार्क्स मिलते। दूसरी बात यह है कि जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, किसी में और या अथवा करके कोई क्वेश्चंस नहीं था। यानी कि जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उतने का आंसर आपको देना है, यानी 42 क्वेश्चंस में से 42 क्वेश्चंस बनाने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, जो 41 और 42 नंबर थे। वो क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शंस में लिखना था, उसको डिटेल्स में वर्णन करके, और उसके लिए सिर्फ आपको एक क्वेश्चंस के लिए 10 नंबर मिलना था। तो पहले भी क्वेश्चन 70 नंबर का था और अब क्वेश्चन जो आएंगे वो भी 70 नंबर के होंगे, लेकिन पैटर्न होगा चेंज। अब चलिए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस जो चेंज होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो मैं उसी से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं दोस्तों कि इसमें चेंजिंग आखिर क्या है। और अब आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है हम लोगों को NIOS ने नया क्वेश्चंस पेपर का सैंपल दिया है और इसमें जो है वो 4 पैटर्न नहीं होंगे बल्कि 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें लिखा है सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी होंगे। पहले सेक्शन ए में देख लेते हैं कि क्या बदला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन दिस सेशन, ऑल आर कंपलसरी। दोस्तों पहले जो था हम लोगों को 15 क्वेश्चंस थे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस करने वाले हैं मल्टी चॉइस वो सिर्फ 10 होंगे। पहले 15 थे, अभी 10 हो गए। दूसरा डिफरेंट इसमें यह है कि पहले हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला था, यानी 1 अंक मिलने वाले थे, अब आपको 1 क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों हम ये 10 क्वेश्चन सही सही बना लेते हैं तो आपका 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ जाएगा और इसमें कोई भी नंबर नहीं कटता है दोस्तों, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है। इसमें सिर्फ आपको टिक करना है और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 10 में 10 सही बनाया तो आपके 20 नंबर ऐसे ही हो गए। आपको पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 40%, यानी 70 नंबर का पूरा इसका अंक है तो आपको उसमें 28 नंबर चाहिए, जो आपको 20 नंबर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव से पकड़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर आपको सिर्फ मल्टी चॉइस से मिल गए। पहले कितने मिल रहे थे हम लोगों को, 15 क्वेश्चन बनाने पे 15, अब क्या है 10 क्वेश्चन बनाने पे हम लोगों को मिल गए 20 अंक। ये बहुत ही आसानी हो गया है हमारे डीएलएड करने वाले प्रशिक्षकों के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा इसमें जो सेक्शन है दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस 10 क्वेश्चन हो गया, और दूसरा सेक्शन अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है दोस्तों कि इसके जो आंसर हैं वो आपको 150 वर्ड में देने हैं। 150 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं आपने असाइनमेंट लिखा है 500-500 शब्दों में तो 3 से 4 पेज में हो जाते हैं। तो ये 150 है तो दोस्तों आपको एक पेज भी नहीं लिखना है, एक पेज से भी कम होगा, ये बहुत ही अच्छा है। जिसमें आप इसमें दूसरा चीज़ क्या है कि आपको इसमें
सिक्स यानी राइट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच, यानी आपको ये टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 11 से लेकर के 20, तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस में सबका आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको जो पसंद हो या जो आंसर अच्छा लग रहा हो उसमें से कोई 6 आंसर देना है। यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस है दोस्तों, यहाँ पे 11 से लेकर के 20 तक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस बनाने हैं। आप कोई भी 4 क्वेश्चंस इसमें छोड़ सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले था ऑब्जेक्टिव के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस, जो 15 क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट वाले भी, तो आपको उसमें दोस्तों आपको एक क्वेश्चंस के लिए एक नंबर मिलना था। अब यहाँ पर क्या है कि ये वेरी शॉर्ट को हटा दिया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा 150 वर्ड में आंसर देने के लिए कहा जा रहा है और हर क्वेश्चंस आपको 5 अंक के लिए है। पहले हम लोग को मिलता कितना, 1 अंक, अब मिलेंगे हमको 5 अंक। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये हो गया है कि पूरे 10 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 4 क्वेश्चंस कोई भी छोड़ सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो ये बहुत ही आसानी हो गई, पहले हम लोग को सभी के सभी आंसर देने थे, अब सभी आंसर नहीं देने थे, हमारे पास एक विकल्प है, अगर वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो दूसरा, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा, तीसरा नहीं आ रहा तो चौथा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे दूसरे सेक्शंस में भी बहुत छूट मिली है और इसमें हम लोगों को नहीं लगता है कि अब कोई फेल हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 क्वेश्चंस में से 4 भी आप बना लेते हैं तो आप तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वही नंबर सिर्फ आपको 20 दिला देगा अकेले, और इसमें से आपको 8 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन सी है, इसमें भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, हम लोगों को सिर्फ जो आंसर लिखने हैं वो 500 वर्ड में लिखने हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जा रहा है। यहाँ पे 10 नंबर देने के लिए आपको 500 वर्ड में लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे भी एक और बेनिफिट हम लोगों के लिए ये है कि यहाँ 4 क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं, यानी सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ये 4 में से आपको किन्हीं 2, अगर मान लिया जाए कि 21 नंबर आपको नहीं आ रहा तो 22 लिखिए, 22 नहीं आ रहा तो 23 लिखिए, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आपको कोई छोड़ देने हैं, 21, 22, 23, 24, इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं और 2 क्वेश्चन आपको अपनी मर्जी से लिखने लें जो आपको आता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं हम लोगों के लिए, पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे क्वेश्चंस का आंसर देना था और मार्क्स भी कम थे, अब कम क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा मार्क्स हो गए हैं, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए कम मार्क्स थे, तो ये बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई फेल कर पाएंगे। हालांकि अगर फेल भी कर जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उस फर्स्ट सेमेस्टर वाले जिस पेपर में प्लग करते हैं उस पेपर की एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं, ये NIOS में ऐसा प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के अब सभी लोग पास हो जाएंगे और फेल होने का चिंता किसी के मन में नहीं रहना है और ना ही रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस पैटर्न जो है वो आप लोगों को बदल दिया गया है और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे जितने भी नए विजिटर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की अपडेट उनके मोबाइल पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।